नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और हम खड़े हैं माँ भगवती जागरण समिति में, यहाँ के वार्ड काउंसिलर 18 नंबर वार्ड संजय शर्मा जी, जो कि वृद्ध व्यक्तियों को लेकर के पूरे पूजा परिभ्रमण करने वाले हैं आज। तो इसी विषय में आइए हम उनके साथ वार्तालाप करके चीज़ों को और स्पष्ट समझते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ। और साथ ही साथ आज सप्तमी का दिन है, तो मैं जगत जननी आदिशक्ति माता से हम प्रार्थना करेंगे कि तमाम लोग, जितने भी लोग इस न्यूज़ चैनल को देखते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सभी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें। तो जुड़े रहें हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। प्रेम से बोलिए जय माता दी। माताएं बहने हैं जो आज पूजा परिभ्रमण में निकले हैं, तो आइए हम उनसे बात करके चीज़ों को और स्पष्ट जानते हैं कि उन्हें वास्तव में आज लग कैसा रहा है। ये तमाम हमारी माताएं बहने जिनको आप देख पा रहे हैं, ये सभी आज पूजा परिभ्रमण में निकले हुए हैं और सभी बहुत ही आनंदित है। जैसे कि मैंने ऑफलाइन वार्तालाप किया तो मुझे पता चला। अब आइए इस विषय में और हम उनके साथ बात करके और स्पष्ट हम समझते हैं कि चाची आपका स्वागत है, कैसा लग रहा है आज आपको ये पूजा परिक्रमा में? अच्छा भैया, बहुत अच्छा। कितने सालों से आप घूमते हैं इनके साथ? हम तो इनको साथ तो बेसी दिन तो नहीं हुआ है। जी जी, हाँ, ऐसे तो 3-4 साल 5 साल वो घुमाया है जी। आ इन जब से ढूके हैं तब से हमको व्यवहारे से बहुत अच्छा लगता है, कुछ मिले या ना मिले। अच्छा। लेकिन व्यवहार हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। 2 साल हमको हुआ। अच्छा। हाँ, 2 साल से हमको बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे समय में उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे और हमको? हम उनको तो जीव भर का आशीर्वाद देते हैं, हमको आपको भी देते। बहुत बहुत धन्यवाद। किनको माँ जी, किनको? जीव भर के हम आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद तो आशीर्वाद आपको, संजय भैया को भी देंगे। बहन भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मनीता छेत्री। और किस वार्ड से आप जुड़े हुए हैं? 18। तो आज आप कहाँ निकले हैं, क्या है हमको थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। आज तो ही बस सबके साथ, मालों के साथ घूमने निकले हैं। अच्छा लग रहा है सबके साथ घूम के। अभी तक कहाँ कहाँ आप लोगों ने दर्शन किया माताओं का? अभी तक हम लोग 3 पंडाल घूम चुके हैं। जी जी। एक NJP का क्या बोले सेंटर ये। और अभी और कितना घूमना बाकी? और 2-3 तो घूमना बाकी है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया को, संजय भैया बहुत अच्छे हम लोग का, सब लोग का ख्याल रखते हैं। जी जी, घूमने में थैंक यू। धन्यवाद आपको मेरे तरफ से, पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका स्वागत है। तो बताइए हमें कि कैसा लग रहा है आज आपको इस पूजा परिभ्रमण में माताओं के साथ में घूम कर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कभी भी हम लोग माँ तक सेवा करने का भी मौका मिल गया है नौ देवी को। कितने वर्षों से आप घूमती हैं? हम तो 2 साल से, जब से TMC ज्वाइन हुए तब से हम संजय भैया के संग घूम रहे हैं। बहुत ही अच्छा काउंसलर है, सब माताओं को लेकर जाते हैं, उसके संग हम लोग का भी सेवा करने का मौका मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे चाची कुछ खाने पीने का व्यवस्था था? चाय पानी पिए हैं। अच्छा ये यात्रा कहाँ तक जाएगा चाची, कुछ मालूम है? मालूम तो है, बहुत जगह घूरा है, फिरा है बहुत जगह, लेकिन संजय बाबू के वहाँ के 2 साल से कुछ पाता। चलिए, मासी माँ कैसा लग रहा है आपको थोड़ा बताइए? खूब भालो। अब तक कहाँ कहाँ आप घूमे? 2-3 जगह देख लाम, तापर अदा कुछ नहीं जाए देखी। कहाँ घर है आपका? हमार घर डाबग्राम। अच्छा, चलिए मासी माँ। और यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। बच्चे इधर आओ। आप लोग कहाँ निकले हो घूमने? क्या नाम है आपका? सौरभ। तो सौरभ कैसा लग रहा है आपको, आप किसके साथ आए हो? तो और आपके साथ कोई, आपके घर का भी कोई है? किसके साथ, कौन है? दादी माँ के साथ आए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सभी कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध हैं और बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं संजय शर्मा जी का, जो वार्ड नंबर 18 के वार्ड काउंसिलर हैं। तो इनके आँखों में एक अलग ही खुशियाँ दिख रहा है। तो अब आइए, अब हम आपको उनसे परिचय करवाते हैं, रूबरू करवा करके, और हम विस्तार से जानते हैं कि क्या है आगे और क्या करना है। धन्यवाद द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। धन्यवाद। हमें बताइए कि आज जो माता जागरण के उपलक्ष्य में आप प्रत्येक वर्ष
के भांति इस वर्ष भी जो आप ये परिभ्रमण करने के लिए निकले हैं बुजुर्गों को लेकर के, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, अपना परिचय देते हुए। देखिए, सबसे पहले तो आज महासप्तमी का दिन है और इस पावन दिन पर आपके माध्यम से मैं सभी सिलीगुड़ी और बंगलवासियों को, हमारे देशवासियों को महासप्तमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। पूजा हमारे बंगाल में दुर्गा पूजा का जो समय है, ये हमारे लिए प्राण वायु लेने का समय है। पूजा के दिनों में हम भक्ति से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, वंदना और उपासना करते हैं, और इस ऊर्जा, इससे जो ऊर्जा हमें मिलती है, हम साल भर मस्त रहते हैं, वही पूजा है। और मैं क्या करता हूँ, मेरे वार्ड के जो सीनियर सिटीजन हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से नहीं घूम पाते, पूजा अच्छी अच्छी पूजा के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, हम ऐसे लगभग 300-350 लोगों को लेकर बसों में, अन्य छोटी गाड़ियों में बैठाकर पूरा शहर घुमाते हैं, और वार्ड से शुरू करके आधा शहर घुमा के शिवम पैलेस लाते हैं। यहाँ इनके लिए चाय, बिस्किट, पानी आदि की व्यवस्था रहती है। कुछ हमारे ग्रुप के लोग हैं जो सत्संग करते हैं, गीता पाठ करते हैं, वो भी यहाँ अपने धार्मिक रीति रिवाज पूरे करते हैं। फिर इनको लेकर कुछ पूजा दिखाएंगे, फिर छोटा फापड़ी में ले जाकर इनको भोजन आदि करवाएंगे, फिर इनको रात्रि समय इनके घर तक पहुंचा देंगे। ये इसलिए करते हैं ताकि जो ज़रूरतमंद है, जो नहीं घूम पाते, उनको ये नहीं लगे कि हम वंचित रह गए, हम पूजा का आनंद लेने से वंचित रह गए, ऐसी भावना उनके अंदर न हो। माँ दुर्गा सभी पर कृपा करती है और माँ दुर्गा के चरणों से प्रेरणा लेकर हम ये काम कर रहे हैं। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी, जो सारे बंगाल और सारे देश और मानव मात्र की चिंता करती हैं, उनके कार्यों से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है। ये आप कितने वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं? मेरा ये दूसरा साल है जब मैं काउंसिलर बना हूँ, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। हमारे वार्ड में पहले से ही ये परंपरा चली आ रही थी, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको और निखार रहे हैं, और ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं, और ज़्यादा आनंद से कार्यक्रम कर रहे हैं हम। तो आज का और क्या क्या आपका प्लान है? आज जैसे कि यहाँ पे शिवम पैलेस में आ गए हैं, अब अगला पड़ाव आप लोगों का क्या होगा, कहाँ होगा? अब अगला पड़ाव इनको 4 से 5 पूजा मंडप लेकर जाएंगे, बड़े बड़े पूजा मंडप ये लोग देखेंगे, वहाँ पर देखकर फिर इनको अगले पड़ाव जहाँ इनके लिए भोजन इनका इंतजार कर रहे हैं, भोजन वगैरह करवाएंगे, फिर रास्ते में 1-2 पूजा दिखाते हुए इनको घर छोड़ेंगे और फिर वहीं पर समापन होगा। जी, आज के दिन पे उपलक्ष्य में आप हमारे देशवासी, समाज, शहरवासी को कुछ और संदेश भी देना चाहेंगे? संदेश हमारी दीदी ने बहुत सुंदर दिया है, धर्म धर्मो शोभार उत्सव शोभा। मेरा कुछ धर्म हो सकता है, आपका कुछ धर्म हो सकता है, लेकिन ये जो उत्सव का समय, ये हम सब का है, इसलिए हम वार्ड के सभी लोगों को लेकर जाते हैं। इसमें अनेक संप्रदाय के लोग हैं और सभी लोग मिलजुल कर पूजा का आनंद लेते हैं, और यही जो हमारी संस्कृति है कि सबको अपना बनाकर चलने की, सबको अपने साथ लेने की जो संस्कृति है, उस परंपरा का और उस संस्कृति का हम निर्वाह कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजय शर्मा जी, जिसे आपने सुना, जाना, और उनकी भावनाओं को सुन करके आप यही कहेंगे वाकई में प्रशंसनीय कार्य है। तो जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के, हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो, और हमारे पीछे हमारे जगत जननी आदि शक्ति माता हमारे बीच आ चुकी हैं, हम उनके बीच आ चुके हैं, हम उनके चरणों के दास हैं। ये हमारे लिए सब सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनके करीब हैं, और आज सप्तमी का भी दिन है। तो माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि तमाम शहरवासियों को, देशवासियों को बहुत ही खुश रखे, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, व्याधि मुक्त रखे माता। तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के, हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। जय माता दी।